तो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बड़े होंगे। तो गाइस, आज का जो कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, मैं यार आप सभी को एक बात बता दूं कि यार मैंने ना इस बार जो वीडियो में जो भी मैंने मतलब कि बैकग्राउंड पेजेस बनाए, मैंने एक एक पीएनजी यार बहुत मेहनत लगी बनाने में। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। एंड अभी तक आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चलिए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। एंड चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, पहले आपसे करना क्या है, सिंपली आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है एड फोटो में, एंड अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, अभी तक आप सभी ने बैकग्राउंड रिलीज कैसे करते हैं वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप सभी को उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा था। सिंपली इसको भी देख के आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो गाइस, इतने आप सभी को करना है, बाकी मैंने लिंक विंक दे रखी है, दो वीडियो में मैंने प्रॉपर समझा रखा है, आप दोनों को देख लेना, आप इजीली आप सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैंने गाइस यहाँ से अपने मॉडल को ले लिया है, तो यहाँ से मैं सिंपली ऐड ऑप्शन पे जाकर ऐड करूँगा, एंड सिंपली इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँगा। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, पहले मैं इसका एडजस्ट में जाकर इसके फोटो में ब्राइटनेस कम लग रही है, तो मैं पहले इसमें ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। एंड इसमें ब्राइटनेस बढ़ा देने के बाद गाइस क्या करना है, मैं यहाँ से सिंपली इसके इतनी बढ़ा के एंड यहाँ से सिंपली ऊपर से डन करता हूँ। ओके, सो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, तो अब बाकी अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट पीएनजी लगाना है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ से ऐड फोटो में, ओ सॉरी गाइस, ये टेक्स्ट पे चला गया, तो हम ऐड फोटो में चलते हैं। एंड यहाँ से गाइस, मैं जो जो ये पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। सो मैं पहले इसको यहाँ पे लगाता हूँ एक, ओके सो एंड दूसरा पीएनजी ले लेते हैं पहले हम यहाँ से गैलरी में जाके। सो पहले मैं यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, एंड ऐड फोटो में क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद हम ये वाला पीएनजी लेंगे। ओके, सो यहाँ से लेने के बाद इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा लूँगा। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, सिंपली जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड उसके बाद ये लास्ट पीएनजी जो ये वाली है हमारी टेक्स्ट की, तो इसको हमें ये वाला लेना है। ओके, सो ये वाला पीएनजी ले लेते हैं। एंड उसके बाद बस यहाँ तक का हमारा काम तो हो चुका है, तो हम यहाँ से सिंपली डन करेंगे। एंड उसके बाद हमारा काम रह गया जिसमें हमें देना है एक वाइट इफेक्ट, तो गाइस जो मतलब कि लाइट इफेक्ट देना है साइड साइड में, तो उसके लिए हम ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। एंड सिंपली हम इस तरीके से जूम करके ब्रशेस को साइज को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से, एंड आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पे से कर देना है। ओके, सो इसके आउटलाइन में आप सभी को ड्रॉ कर देना, बाकी और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना कर देना। साइज़ को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मेंटेन आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हो, एंड बाकी वो आपके ऊपर है आप कितना मतलब रखते हो। मैं आप सभी को रिकमेंडेड करूँगा कि आप जितना मतलब कि मैं रखा हूँ उतना ही रखो तो सही रहेगा ज़्यादा, एंड बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो मैं इसको यहाँ तक इतना कर लेता हूँ, एंड इस पर भी कर लिया है, एंड सिंपली हम ऐसे डन करेंगे। एंड जो ब्राइटनेस है गाइस, आप उसको आप देख सकते हो, लाइट आपको कितना चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हो, एंड बाकी यहाँ से हम डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस हमारा एक रह गया नीचे स्मोक का इफेक्ट लगाना है, स्मोक इफेक्ट, तो उसके लिए हमें उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, उसको भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इसके यहाँ से जाकर ले लेता हूँ पहले, और फोटोज़ में जाकर मैं पहले जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, एंड काफ़ी अंदर रहता है यार वो, मेरे को ढूंढने में काफ़ी टाइम हो गया उसको यूज़ किए हुए, तो काफ़ी ऊपर चला गया, तो मैं उसको ले लेता हूँ फटाक से। तो गाइस ये स्मोक इफेक्ट भी हमें मिल गया, तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, एंड सिंपली इसको हम फुल स्क्रीन करके सिंपली अपने नीचे की तरफ यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, सो गाइस ये मैच हो चुका है बिल्कुल, एंड यहाँ से डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस हम इसमें करेंगे डोज एंड वन, ठीक है, तो इसको हम पहले हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे रिजर टूल में, रिजर टूल में जाने के बाद इसको इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, एंड ब्रश इसका साइज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली जहाँ जहाँ पर आप सभी को मतलब कि डोज वन चाहिए आप वहाँ पर कर सकते हो। तो हमारा हो गया, बाकी हमें गाइस देना अपने कपड़े के ऊपर भी करना है, तो हम यहाँ पे पहले इसका ब्राइटनेस अपने आप से सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसका टूल्स में जाकर दोबारा एडजस्ट में जाके अब कपड़े के ऊपर हम साइन इफेक्ट देंगे, तो यहाँ से मिरर टूल में जाके इसको इन्वर्ट करेंगे, एंड ब्रशेस में जाके हम सिंपली इस तरीके से यहाँ पे हम यानी कपड़ों के ऊपर भी करेंगे। तो गाइस एक मैं यहाँ कर देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ पे लगता है कि लग रहा है गाइस आप सभी को जहाँ जहाँ लगे कि हमें यहाँ पे इफेक्ट देने की जरूरत है, तो आप वहाँ पर लगा लेना, एंड हेयर पर भी लगा लेना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बाकी ये ब्राइटनेस आपको मेंटेन कर रखना ही है ना। तो इतना हो गया गाइस यहाँ तक काम तो हमारा, एंड इसके बाद हम यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके ब्लर में जाके हम इसके अमाउंट को रखेंगे 2 के आसपास रखेंगे। ओके, सो यहाँ से हम करते हैं इन्वर्ट, एंड यहाँ से ब्रश में जाके साइज़ को छोटा करके, एंड सिंपली अपने फेस के ऊपर इस तरीके से पेंट कर देंगे। ओके गाइस, सो यहाँ तक हमारे देख सकते हो गाइस हमारा फेस भी स्मूथ लग रहा है, तो यहाँ से हम सिंपली डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस सबसे करना क्या है, इसमें करना कलर करेक्शन, जो कि हम लाइटरूम ऐप के अंदर करते हैं। तो सिंपली हम ड्रॉ टूल में जाके इस फोटो को सेव करेंगे, एंड सिंपली हम बैक करके चलेंगे हम अपने लाइट रूम ऐप के अंदर। सो लाइट रूम ऐप को मैंने ओपन कर लिया है, एंड सिंपली ऐड फोटो से हम इसको ऐड कर लेंगे।
हमारी फ़ोटो ओपन हो चुकी है, तो उसके बाद हम जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे हल्का सा, एंड हाईलाइट्स को भी हल्का सा प्लस की तरफ रखेंगे, एंड जो शेडो है हमारी इसको कम करेंगे, एंड ब्लैक को हम इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है गाइस। तो वाइट को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड उसका नीचे वाले टूल में जाएंगे, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, एंड मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को माइनस करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, ओके गाइस। सो उसके बाद गाइस हमें करना क्या, येलो वाले में जाएंगे, सॉरी ब्लू वाले में जाएंगे, एंड इसके हम ह्यू को थोड़ा माइनस की तरफ रखेंगे, एंड सिंपली नीचे वाले टूल पर चलेंगे फिर, एंड उसके बाद फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, एंड विग्नेट डालेंगे हल्का सा, एंड बस नीचे वाले टूल में जाना है, शार्पनेस को बढ़ा देना फोटो की, एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। सो गाइस यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।